ऑफ हिस्ट्री, एंड आज आपकी पहली क्लास के अंदर होने वाले हैं दिल्ली सल्तनत के मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। ठीक है, तो जल्दी जल्दी क्लास को ज्वाइन करते रहो एंड देन वी स्टार्ट। हमारे टेलीग्राम चैनल आपके सामने लिखा हुआ है, हिस्ट्री फॉर रीजनेड बाय शुभांगी अश्वनी, प्लीज को ज्वाइन कर लीजिए। आपको सारी इन्फॉर्मेशन इधर ही मिलती है। हमारे ऐप सेशन होते हैं 11 बजे एंड यूट्यूब सेशन 3 PM। ओके, सो गुड आफ्टरनून एवरीवन, जल्दी जल्दी सेशन को ज्वाइन करते रहिए एंड प्लीज अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दिए सेशन, जिससे कि वो भी ज्वाइन कर सके एंड फायदा उठा सके सेशन का। ऑल राइट, गुड आफ्टरनून अल्पना, मौसमी गुड आफ्टरनून, संति गोपाल गुड आफ्टरनून, शीत सचिन गुड आफ्टरनून, शाइस्ता स्नेहा गुड आफ्टरनून। ओके, सो बिफोर वी स्टार्ट, हमारा एक मेगा वर्कशॉप होने वाला है, तो प्लीज इसको ध्यान दीजिएगा। ये आज ही है, 23 तारीख रात के 8 बजे। तो अगर अभी तक आपने रजिस्टर किया है तो प्लीज मेक श्योर रजिस्टर करें। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है सेशन का, तो इस वर्कशॉप का जरूर पार्ट बने कि इसके आप इसमें शुभांगी मैम आपको बताएंगे कि यूनिट वाइज प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी क्या है यूजीसी नेट एग्जामिनेशन क्रैक करने की। तो जो भी कोई लोग नेक्स्ट एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं उन्हें अभी से प्रिपरेशन करना होगा। ठीक है, अभी से प्रिपरेशन करना होगा तो आपको ये वर्कशॉप अटेंड करना बहुत जरूरी है, जिसके अंदर शुभांगी मैम आपको बताने वाली है कि यूनिट वाइज प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी क्या है यूजीसी नेट एग्जामिनेशन क्रैक करने की, केवल एक ही अटेम्प्ट के अंदर। हमें दो अटेम्प्ट जाना ही नहीं है। अगर आपको फर्स्ट अटेम्प्ट के अंदर जेआरएफ क्रैक करना है, फर्स्ट अटेम्प्ट, तो प्लीज मेक श्योर कि इस मेगा वर्कशॉप को जरूर समझे कि किस तरीके से एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी क्या होती है एक एग्जामिनेशन क्रैक करने की एक ही अटेम्प्ट के अंदर। दूसरे अटेम्प्ट में हमें जाना ही नहीं है, हमें एक ही अटेम्प्ट के अंदर क्रैक करना है। ठीक है, तो आज रात को 8 बजे ये सेमिनार होने वाली है, तो इसको जरूर अटेंड कीजिए। अगर आपने रजिस्टर नहीं किया हो तो प्लीज रजिस्टर कर लीजिए एंड ठीक है, मिलते हैं फिर 8 बजे। एंड बिफोर वी स्टार्ट द सेशन, हमारा फाउंडेशन कोर्स आज से शुरू हो रहा है इंग्लिश बैच का, फर्स्ट क्लास है आज 7 बजे। तो जो कोई भी लोग नेक्स्ट एग्जाम नेक्स्ट एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो एनरोलमेंट ऑलरेडी शुरू हो चुके हैं। ये नंबर है, इस पे कॉल कर लीजिए, 9650052904। यस, सो गुड आफ्टरनून एवरीवन, जल्दी जल्दी सेशन के अंदर आते रहिए। ओके, कुमारी अमरिका मौसमी गुड आफ्टरनून, स्नेहा दीपक रिमी मिस्त्री रिमी सुल्ताना मिथुन उमा महेश्वर राजनंदनी ठीक है, अर्पिता सीरत शहजादी खातून चलिए, वर्सेटाइल कैनवास पद्मनी हीना चौधरी संचिता सुनेहा कृष्ण मुर्मू चलिए, अनामिका घोष गुड आफ्टरनून। हाँ जी, तो हमारा लास्ट क्लास का होमवर्क क्वेश्चन क्या था? तो लास्ट क्लास का होमवर्क क्वेश्चन था हमारा महेंद्र पाल नानू का, वक्फी राजा एंड गोविंदर, इनको आपको मैच करना है इनकी डायनेस्टी से, कौन से डायनेस्टी से कौन बिलोंग करता है। तो महेंद्र पाल कौन से करते हैं, नानू का कौन से करते हैं, विक्रपाजा कौन से करते हैं, गोविंद कौन से करने हैं, एंड इसके सामने दिया हुआ है राष्ट्रकूटाज कुछ प्रतिहाराज चंदेला एंड परमाराज। करेक्ट आंसर है इसका सी। ठीक है, सी क्यों है, क्योंकि महेंद्र पाल किससे बिलोंग करते, गुर्जर प्रतिहार से। अगर ये आपको मालूम है तो यहीं से हो जाएगा आपका। नानू का किससे बिलोंग करते हैं, नानू का बिलोंग करते हैं चंदेल से। ये आपका सिविल सर्विसेज के अंदर भी आया था क्वेश्चन यूपीएससी में। ठीक है, देन आपका वक्रपाजा किससे बिलोंग करते हैं, परमारा से, देन गोविंदा राजकोटा से। ठीक है, सी इज द करेक्ट आंसर। एंड जो करेक्ट आंसर दिया था, एक पद्मनी ने बहुत अच्छा आंसर लिखा हुआ था, जिसके अंदर महेंद्र पाला बिलोंग करते हैं गुर्जर प्रतिहारा से, नानू का चंदेला से, वक्पितराजा बिलोंग टू परमारा एंड गोविंदा टू राजकोटा। तो करेक्ट आंसर सी। फिर ऐसे ही संचिता ने दिया हुआ है, शॉर्ट नोट भी बनाए हुए हैं, तो इसी तरीके से शॉर्ट नोट्स आपको बनाने होते हैं एग्जामिनेशन परस्पेक्टिव से। देखो गुर्जर प्रतिहाराज का टाइम पीरियड क्या है, मिड 8 सेंचुरी शुरू हुए हैं, कहाँ पे है, नॉर्थ नॉर्दर्न इंडिया में है, पावर सेंटर कहाँ पे था, उज्जैन में था फिर कन्नौज में चला गया, फाउंडर इसके कौन है, वत्स राजा, लास्ट किंग कौन है, राज्यपाल, ठीक है, गजनी केम टू कन्नौज 1088। इस तरीके से शॉर्ट नोट्स आपको बनाने चाहिए। ठीक है, फिर चंडेल है जीजा मुक्ति के, ठीक है, नानू का फाउंडर था, यहाँ पे खजुराहो टेम्पल फेमस है, देन परमारा मालवा हो गया कैपिटल मांडू धार, ठीक है, फाउंडर इसके सीएक फाउंडर लास्ट किंग का, ठीक है, आर्किटेक्चर कौन सा इसका, भूमिजय स्टाइल, फिर हर्षोल्लय कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन यहाँ से मिली हुई है, तो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दी हुई है। इसी तरीके से आपको कलेक्ट करनी चाहिए एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, अपनी नोटबुक के अंदर लिखनी चाहिए। ओके, तो लेट स्टार्ट। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, आज भी आपके सामने होमवर्क क्वेश्चन आएगा सेशन के आखिरी में, तो जरूर आपको अटेम्प्ट करना है क्वेश्चन वो, एंड कमेंट सेक्शन के अंदर लिख के बताना है उस क्वेश्चन के बाद, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कीजिएगा एंड कमेंट सेक्शन के अंदर लिखेगा। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क्स ऑफ अमीर खुसरो कंटेन्स अकाउंट ऑफ द कैंपेन ऑफ अलाउद्दीन खिलजी इन द डेक्कन एंड मंगोलियन रोड्स।
तो अमीर खुसरो की निम्नलिखित में से किस पुस्तक में अलाउद्दीन खिलजी के दक्कन और मंगोल आक्रमण का वृतांत निहित है? तो ध्यान, आज हम करने वाले हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस प्लस सम मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस जो आपके एग्जामिनेशन के अंदर आ सकते हैं। करेक्ट आंसर इज खजाइनुल फुतुह। तो खजाइनुल फुतुह में ही अमीर खुसरो ने अलाउद्दीन खिलजी के डेक्कन कैंपेन के में एंड मंगोल इन्वेजन के बारे में बहुत अच्छे से डिस्कशन किया हुआ है। चारों के चारों कहा ये काम ही अमीर खुसरो के ही है। सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज वॉज नोन एज सिराज ऑफ द ईस्ट? तो निम्न में से कौन सा नगर पूर्व सिराज नाम से जाना जाता था? जौनपुर, आगरा, लाहौर, लखनौती। ओके, करेक्ट आंसर इज ए जौनपुर। जौनपुरी सिराज ऑफ द ईस्ट जाना जाता था। यहीं पे ही मलिक मोहम्मद जैसी ने पद्मावत भी लिखी थी। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सिटी ऑफ दिल्ली इज मेड अप ऑफ नाउ फोर टाउन्स, द फोर्थ इज कॉल्ड झापना। इट्स फाउंडर्स इंटेंशन वॉज टू यूनाइट दीज फोर टाउन्स विद इन अ सिंगल वॉल, बट आफ्टर बिल्डिंग पार्ट ऑफ इट ही गेव अप। इन द अबव स्टेटमेंट इब्न बतूता इज रेफरिंग टू द एक्टिविटीज ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग सुल्तान? तो दिल्ली चार शहर नगरों से मिलकर बना था। चौथा शहर झापना है, जहां उसके संस्थापक की इच्छा थी कि चारों नगरों को एक ही दीवार से जोड़ दिया जाए, लेकिन इसके कुछ अंशों के निर्माण के बाद ही इसने अपना इरादा छोड़ दिया। उपर्युक्त व्यक्तित्व में इब्न बतूता सुल्तान के बारे में चर्चा कर रहे हैं। करेक्ट आंसर इज सी। तो आंख बंद करके लगा देना, देखो जहां भी इब्न बतूता बात करे तो समझ लेना कि मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में बात कर रहा है। वो 8 साल मोहम्मद बिन तुगलक की कोर्ट के अंदर रहा है एंड मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में सबसे अच्छे तरीके से इब्न बतूता ने बताया। मोहम्मद बिन तुगलक काजी के रूप में, मोहम्मद बिन तुगलक ने काजी के रूप में इब्न बतूता को अपॉइंट किया था। देन इब्न बतूता उसको सर्व करता है, उसके लिए लड़ता भी है। ठीक है, तो इब्न बतूता ने बहुत क्लोजली देखा हुआ है मोहम्मद बिन तुगलक। इवन इब्न बतूता ये भी बताता है कि मोहम्मद बिन तुगलक है कैसा शासक था कि कोई हफ्ता नहीं जाता था जब ये किसी को मारता नहीं था। तो इसने इसके बारे में बताया हुआ है कि यही वो शासक था जिसने उलेमास को भी पनिश किया था, इसने सूफियों को भी पनिश किया था। ठीक है, तो हर हफ्ते किसी ना किसी को पकड़ पकड़ के मारता रहता था इब्ने बतूता, मोहम्मद बिन तुगलक। ये सारी जानकारी किसने दी हुई है? इब्ने बतूता ने दी हुई है। फोर्थ क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। असर्शन दिया हुआ है, रीजन दिया हुआ है, ध्यान से देखो। देखो क्वेश्चन असर्शन रीजन का आपको मिलेंगे कम से कम 10 क्वेश्चन तो आपके एग्जामिनेशन के आते ही हैं। अगर मैं असर्शन रीजन की बात करूं तो प्लीज थोड़ा प्रैक्टिस कर लो। असर्शन रीजन का मैंने आपको पहले ही बताया हुआ है, कनेक्ट करता हुआ होना चाहिए। अगर क्वेश्चन की डायरेक्शन 180 डिग्री है, मतलब कि एक स्टेटमेंट और बात कर रहा है, एक स्टेटमेंट कुछ और बात कर रहा है, तो ही आपको बी लगाना है, अदरवाइज हमेशा ए लगाओ। तो इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो। बर्नी नोटेड हाउ द किंग्स ऑफ इस्लाम शो रिस्पेक्ट टू हिंदू मंगोल्स पॉलिथिस्ट एंड इनफाइडल्स बाय मेकिंग देम सिट ऑन द मंसक एंड बाय ऑनरिंग देम इन अदर वेज, एंड हाउ द हिंदूज अपॉन पेइंग मुस्लिम सर्वेंट्स एंड फ्रॉन्ट देयर टाइटल राइट इन द कैपिटल सिट ऑफ मुस्लिम रूलर्स। एन इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ इस्लाम इन इंडिया वॉज इट्स वेरी अर्ली एक्सेप्टेंस ऑफ द लॉन्ग टर्म को एग्जिस्टेंस विद हिंदुइज्म डिस्पाइट ऑल द वायलेंस दैट अकर्ड इन मिलिट्री कैंपेन्स कॉन्क्वेस्ट एंड डिप्रेडेशंस। यस, इंग्लिश के अंदर देख लिया, प्लीज अपनी नोटबुक के अंदर आंसर लिख लो। अभी हम हिंदी की तरफ जा रहे हैं। तो बर्नी लिखता है कि किस प्रकार इस्लाम के राव ने हिंदू, मंगोल, बहुदेववादी और काफिरों को मनसत पर बिठाकर और दूसरे तरीके से अंदर देकर अपना सम्मान दिखाया, और किस प्रकार हिंदुओं को कर देने के पश्चात अपने मंदिर रखने और उत्सव मनाने, मुस्लिम नौकरों को अपनी सेवा में रखने, अपनी किताबों का प्रदर्शन करने की अनुमति दी, यहाँ की मुस्लिम शासकों की प्रमुख राजधानियों में भी। ठीक है, भारत में इस्लाम का एक महत्वपूर्ण पहलू यह था, इसने समस्त सामरिक अभियानों, विजय और लूटपाट में हिंसा के बावजूद हिंदू धर्म के साथ दीर्घकालीन सह अस्तित्व को अति शीघ्र स्वीकार कर लिया था। समझ में आ गया क्वेश्चन? करेक्ट आंसर है ए। देखो दोनों ने कहा है कि अगर स्टेटमेंट बिल्कुल ही अपोजिट डायरेक्शन के अंदर चली जाए, एक स्टेटमेंट कुछ और बात कर रही है, एक स्टेटमेंट कुछ और बात कर रही है, तभी आपको बी लगाना है। यहां पे देखो क्लियरली एक्सप्लेन कर रहा है बर्नी की स्टेटमेंट को। रीजन, बर्नी पहले स्टेटमेंट के अंदर किस तरीके से बता रहा है कि किस तरीके से हिंदूज को अच्छे अच्छे अपॉइंटमेंट्स दिए जा रहे हैं। ठीक है, दूसरे स्टेटमेंट के अंदर भी यही बताया जा रहा है कि भले ही दिल्ली सल्तनत एक इस्लामिक स्टेट हो, लेकिन उसने वहां पे हिंदूज को बड़े पैमाने में रिक्रूट करना शुरू किया था, मतलब एक्सेप्ट करना शुरू कर दिया था हिंदू धर्म को।
ठीक है, तो बिल्कुल के बिल्कुल ठीक है, पहला भी ठीक है, दूसरा भी ठीक है, एंड दूसरे को ही क्लियरली पहला एक्सप्लेन कर रहा है। फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो डायग्रामेटिकल एविडेंस ऑफ कैप्स्टन टू लिव हैवी वेट्स इज मेंशन फॉर द फर्स्ट टाइम इन विच ऑफ द फॉलोइंग पर्शियन टेक्स्ट। तो निम्नलिखित में से किस फारसी पुस्तक भारी वजन उठाने वाली हवी थी, यानी कैप्स्टन का पहली बार आकृतिक प्रमाण वर्णित है। यस, आंसर क्विकली, प्लीज मेक श्योर लिखते रहे अपने नोटबुक के, अगर नहीं लिख रहे हो तो। करेक्ट आंसर इज सी, सिराते फिरोज शाही। सिराते फिरोज शाही के अंदर इसके बारे में जिक्र किया हुआ है। देखो क्या होता है, ये होता क्या है, कैप्स्टन टू लिव हैवी वेट्स, ये इस तरीके से होता है, ये आज का मॉडर्न डे कैप्स्टन है। देखो ये क्या होता है, इन लोग घुमाते हैं, एंड ये घुमाते हैं तो फिर यहां से वजन उठने लगा। तो ये चीज यहीं पे, यहाँ पे मेंशन की हुई है कि हैवी वेट्स जो बड़े बड़े, मतलब जो भारी वजन की चीजें होती थी, उनको उनके लिए जो कैप्स्टन यूज हो जाता था, घुमाते थे लोग और वो हैवी वेट्स उठाता था, वो किस पर्शियन टेक्स्ट के अंदर मेंशन किया हुआ है, सिराते फिरोज शाह के अंदर। सिक्स्थ क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मोहम्मद बिन तुगलक डेक्कन एक्सपेरिमेंट लेड टू द रैपिड कल्चरल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द साउथ फ्रॉम दिल्ली टू दौलताबाद वॉज नाउ वन वर्ल्ड, वाइल हैज आर्मीज वर मूविंग फ्रॉम दौलताबाद टू मुल्तान एंड फ्रॉम बंगाल टू गुजरात, मिस्टिक स्कॉलर्स मर्चेंट्स पोएट्स एंड एनिहिलेटेड द डिस्टेंस। इट वॉज सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक्स डिजायर टू अचीव द पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिटी ऑफ इंडिया, ही वॉज एंक्शियस टू लिक्विडेट पॉलिटिकल बैरियर्स एज वेल एज इंटेलेक्चुअल्स विच सेपरेटेड द नॉर्थ फ्रॉम साउथ। अगेन देखो असर्शन रीजन है, मैंने असर्शन रीजन की ट्रिक बताई है सिंपल, अगर दो स्टेटमेंट है, पहला स्टेटमेंट ये है एंड दूसरा स्टेटमेंट ये है, अगर ये स्टेटमेंट बिल्कुल ही कनेक्टेड नहीं है एंड 180 डिग्री प्लेन पे लाई कर रहे हैं, 180 डिग्री प्लेन मतलब कि एक बिल्कुल एग्जैक्ट प्रॉपर प्लेन है ऐसे है, एंड एक स्टेटमेंट इधर की तरफ बोल रहा है कुछ और बताने की कोशिश कर रहा है, एक स्टेटमेंट कुछ और बताने की कोशिश कर रहा है, तभी आपको बी लगाना है, अदरवाइज ए लगाना है आपको। तो मोहम्मद बिन तुगलक के दक्कन, मोहम्मद बिन तुगलक के दक्कन प्रयोग से दक्षिण में तेजी से सांस्कृतिक बदलाव हुआ, दिल्ली से दौलताबाद तक अब यह एक दुनिया थी। जब उसकी सेनाएं दौलताबाद से मुल्तान की ओर तथा बंगाल से गुजरात की ओर बढ़ रही थी, तो सूफी विद्वान व्यापारी कवि और प्रशासनिक अधिकारी भी इन दूरियों को मिटा रहे थे। भारत की राजनीतिक और प्रशासनिक एकता को हासिल करना सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक की आकांक्षा थी, वह राजनीतिक के साथ साथ बौद्धिक अवरोध को खत्म करने के लिए व्यग्र था, जिन्होंने उत्तर में दक्षिण से अलग कर रखा था। समझ में आ गया, कोई डाउट तो नहीं है, सिंपल है ना, करेक्ट आंसर है ए। देखो पहले स्टेटमेंट के अंदर क्या जा रहा है, मोहम्मद बिन तुगलक ने डेक्कन एक्सपेरिमेंट किया, उसने कैपिटल को ट्रांसफर किया, 1327 में कैपिटल ट्रांसफर किया था, दिल्ली से दौलताबाद लेके चला गया था उस कैपिटल को, एंड देन उस कैपिटल के ट्रांसफॉर्मेशन से, कैपिटल को शिफ्ट करने के बाद हुआ क्या था, एक्चुअली पॉलिटिकल यूनिफिकेशन हो गया था, राजनीतिक एकजुटता हासिल हुई थी, बहुत सारे लोग जो थे दिल्ली से दौलताबाद की तरफ मोहम्मद बिन तुगलक ने मूव किया था। आपको ये भी मालूम होना चाहिए मोहम्मद बिन तुगलक ने बहुत सारे सराय भी बनवाए थे, तो शेरशाह से पहले मोहम्मद बिन तुगलक ऑलरेडी सराय के ऊपर काम कर चुका था, 1500 किलोमीटर की दूरी तय करनी थी तो बीच में उसने सराय भी बनवाए थे। ठीक है, बहुत सारे जो सूफी सूफी हुआ करते थे, बहुत सारे जो पढ़े लिखे लोग हुआ करते थे, उनको भी लेके गया था, जिससे कि दौलताबाद एक अच्छी राजधानी के तौर पे उभरे। ठीक है, तो यही पूछा जा रहा है क्वेश्चन के अंदर, डेक्कन एक्सपेरिमेंट के अंदर, डेक्कन एक्सपेरिमेंट के बारे में बात की जा रही है। ठीक है, दूसरी चीज क्या बताया जा रहा है कि उसका मकसद क्या था, कि पॉलिटिकल बैरियर जो है, जो राजनीतिक जो बैरियर है, जो एक बीच में ढलाव आ गया है कुछ, उसको खत्म करना है, ये इंटेलेक्चुअल बैरियर जो है उसको खत्म करना है। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो मे भी एक्सपेरिमेंट अनसक्सेसफुल रहा था, लेकिन उसने एटलीस्ट जो बैरियर हुआ करता था, पॉलिटिकल और इंटेलेक्चुअल बैरियर, उसको खत्म किया था उसने। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नो किंग सो बेनेवोलेंट सिंपेथेटिक रेवरेंट टू द लर्न एंड ओल्ड एवर रोज बाय हिम ओन एफर्ट टू द क्रैडल ऑफ एम्पायर, मीना जो सेड दिस अबाउट विच ऑफ द फॉलोइंग दिल्ली सुल्तान्स। कभी भी और कोई भी शासक इतना दयालु, सहानुभूति रखने वाला और विद्वानों तथा वृद्धों के प्रति श्रद्धालु नहीं हुआ जो अपने स्वयं के प्रयासों से साम्राज्य के शीर्ष पर पहुंचा हो। मीना जो सिराज का एक कथन निम्न में से किस सुल्तान के बारे में है?
करेक्ट आंसर है सी। अब देखो ये आपको कैरेक्टर समझना पड़ेगा हर किसी सुल्तान का, तो सुल्तान का कैरेक्टर समझना जरूरी है। ये इल्तुतमिश के बारे में बात की जा रही है, बहुत ही बेनोविलेंट हुआ करते थे। बेनोविलेंट कुतुबुद्दीन ऐबक भी थे। क्यों कुतुबुद्दीन ऐबक बेनोविलेंट थे? लाल बख्श का टाइटल में दिया गया था, लाल बख्श के टाइटल में ये कि बहुत ही बेनोविलेंट है, बहुत ही दयालु है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे इल्तुतमिश के बारे में जिक्र क्यों किया जा रहा है? क्योंकि बेनोविल भी है, सिंपेथेटिक भी है, एंड बहुत सारे जो पढ़े लिखे लोग थे वो दिल्ली आना शुरू हो चुके थे। क्योंकि दिल्ली दिल्ली में ही जब इल्तुतमिश ने कैपिटल को अपने ट्रांसफर किया था, लाहौर में कैपिटल हुआ करते थे कुतुबुद्दीन ऐबक के टाइम पे। कुतुबुद्दीन ऐबक के टाइम से इल्तुतमिश का जब टाइम पीरियड आता है तो दिल्ली के अंदर ट्रांसफर की जाती है। एंड यहाँ पे बहुत सारे जो लर्न्ड मैन थे, जो काफी पढ़े लिखे लोग थे, वो यहाँ पे आगे रहना शुरू कर गए थे, ठीक है। तो इसी वजह से बस ये जो लास्ट पार्ट जो उन्होंने कहा ना कि लर्न एंड ओल्ड रोज टू रोज बाय हिम इज ओन एफर्ट टू द क्रैडल ऑफ एम्पायर, तो इसी वजह से स्टेटमेंट के अंदर आता है इल्तुतमिश। मोहम्मद बिन तुगलक भी काफी पढ़ा लिखा था, लेकिन आपको मालूम है कि उसने सूफीज और उलेमास को बुरी तरह परेशान तो किया ही था, ठीक है। रजिया के बारे में हम जब बात करेंगे तो इस पर 2021 में शिफ्ट वन में क्वेश्चन आया हुआ है। तो यहाँ पे एक वुमेन का अपॉइंटमेंट होना पहली बार टर्किश माइंडसेट को चेंज करता हुआ दिखाता है कि किस तरीके से इल्तुतमिश का माइंडसेट चेंज हो रहा था। वो एक्सेप्ट कर रहा था एक वुमेन को एज अ रूलर, ठीक है। लोगों ने भी रजिया को एक्सेप्ट किया था, ठीक है। रजिया ने भी लोगों को कहा था कि मैं आपके लिए रेडी हूँ काम करने के लिए, एंड अगर मैं आपके लिए नहीं कर पाती हूँ तो मैं अपनी गद्दी छोड़ दूंगी, ठीक है। एंड रजिया को परेशान भी किया गया था, परेशान किसने किया था ये भी आपको मालूम होना चाहिए, तुर्कान चहलगानी ने। तो तुर्कान चहलगानी जिसकी शुरुआत इल्तुतमिश ने की थी, कॉन्फ्लिक्ट किसके टाइम पे शुरू हुआ था? रजिया के टाइम पे शुरू हुआ था। फिर खत्म किसके टाइम पे हुआ था? बन के टाइम पे खत्म हुआ था तुर्कान चहलगानी, जब उन्होंने तुर्कान चहलगानी की कमर तोड़ दी थी, ठीक है। चलिए 8 क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क्स ऑफ अमीर खुसरो डू वी गेट अ डिस्क्रिप्शन ऑफ सीज इंप्लीमेंट्स? तो अमीर खुसरो की निम्नलिखित में से किस कृति में बंदी के औजारों का वर्णन मिलता है? करेक्ट आंसर इज नू सिफर। नू सिफर के अंदर अमीर खुसरो ने डिस्क्राइब किया हुआ है सीज इंप्लीमेंट्स के बारे में, जो घेराबंदी में जो काम आते हैं चीजें बारे में जिक्र किया हुआ है। अमीर खुसरो को अच्छे से पढ़ लीजिएगा प्लीज, अमीर खुसरो को अच्छे से पढ़ लीजिएगा। 2 क्वेश्चन आप यहाँ से एक्सपेक्ट कर सकते हो। अमीर खुसरो को 2 कॉन्टेक्स्ट के अंदर पढ़ा जाता है। एक होता है लिटरेरी कॉन्टेक्स्ट, लिटरेचर के अंदर उनका क्या कॉन्ट्रीब्यूशन है, और दूसरा है म्यूजिक, म्यूजिक में उनका क्या कॉन्ट्रीब्यूशन है। 9th की तरफ चलते हैं। इन द डिसाइसिव बैटल ऑफ अमरोहा इन विच मुगल्स वर डिफीटेड हु लेड अलाउद्दीन फोर्सेस? तो अमरोहा में निर्णायक युद्ध में जिसमें मंगोलों की हार हुई थी, अलाउद्दीन की सेना का नेतृत्व किसने किया था? 100% श्योर है ऐसे क्वेश्चन आना, मंगोल्स के ऊपर क्वेश्चन आना ही आना है, ठीक है। 100% है, ठीक है। एग्जामिनेशन के अंदर बैठो तो एकदम याद कर लेना, जैसे ही 20 सितंबर के अंदर आपका एग्जामिनेशन होता है सीधे मंगोल्स को देखो तो एकदम याद आ जाना चाहिए कि मैंने आपको बताया था कि 100% क्वेश्चन आएगा मंगोल्स के ऊपर, ठीक है। कोई डाउट ही नहीं है कि मंगोल्स के ऊपर क्वेश्चन आए या ना आए, आना ही है। करेक्ट आंसर इज मलिक नायक। तो प्लीज मंगोल शुरू से पढ़ लेना। इल्तुतमिश के टाइम पे क्या था? शुरुआत इल्तुतमिश के टाइम से हो चुकी थी, ठीक है। बलबन के टाइम पे क्या था? जीएसटी के टाइम पे क्या था? एमबीटी के टाइम पे क्या था? एफएसटी के टाइम पे क्या था? तो मंगोल के इन जो भी हो रहे हैं, जो भी कोई इन्वेजन कर रहा है, किस टाइम पीरियड पे इन्वेजन कर रहा है, कौन लड़ रहा है, ये आपको मालूम होना चाहिए। एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा, 100% श्योरिटी है, 100%। 10th की तरफ चलते हैं। निकिटिन कहाँ के ट्रैवलर थे? रशियन थे, इटालियन थे, पोर्तुगीज थे, स्पेनिश थे? इट इज बिल्कुल सिंपल रशियन। ऐसे क्वेश्चन तो एग्जामिनेशन के अंदर आपको छोड़ने ही नहीं है, जिसके अंदर हलवा क्वेश्चन आपके सामने रख दे एंड पूछ ले कि ये ट्रैवलर कहाँ से आया हुआ था, तो रशियन है। 11th की तरफ चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज नॉट करेक्टली मैच? तो जौनपुर, अटाला मॉस्क, मालवा, जहाज महल, अजमेर, कुवैतुल इस्लाम, गुलबर्ग, जामा मस्जिद। इसमें से आपको बताना है कि कौन सा सही
सुमिलित नहीं है। यस क्विकली गाइस, ओके सो द करेक्ट आंसर है सी। आपको मालूम ही है आज ये कहां पे है, कुवैतुल इस्लाम मॉस्क, सबको मालूम है। मालूम है कि नहीं मालूम है? यस दिल्ली के अंदर, बिल्कुल ठीक, दिल्ली के अंदर। ट्वेल्थ की तरफ चलते हैं। अलोंग विद द स्क्वायरिश शेप मेसोन रूलर्स ऑफ दिल्ली सुल्तनत कंस्ट्रक्टेड डैश शेप मेसोलियम्स ऑन बिग स्केल। तो चाको चोकार आकोर के मकबरे के साथ साथ दिल्ली सल्तनत के शासकों ने बड़े पैमाने पर डैश आकार के मकबरे का निर्माण किया। तो हेक्सागनल, ऑक्टागनल, पेंटागनल, ट्रायंगुलर। यस क्विकली आंसर गाइस, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। दो बार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। यहां पे बात हो रही है ऑक्टागोनल की। अष्टभुजाकार शेप मेसोलियम से बनाए गए थे बहुत बड़े स्केल पे। दो बार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, हाई लेवल क्वेश्चन है एकदम, कि आर्किटेक्चर के ऊपर क्वेश्चन पूछा जा रहा है। आर्किटेक्चर कोई नाम नहीं लिया जा रहा है, बस पूछा जा रहा है कि किस शेप के आर्किटेक्चर हुआ करते दिल्ली सल्तनत के टाइम पे। स्क्वायर भी होता था, ऑक्टागोनल भी होता था। ट्रायंगल नहीं है, पेंटागनल नहीं है, हेक्सागनल नहीं है। 13 पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द रीजन फॉर द ग्रेट रिबेलियन इन दोआब अगेंस्ट मोहम्मद बिन तुगलक। तो मोहम्मद बिन तुगलक के दोआब में हुए महान विद्रोह कारण निम्नलिखित में से कौन सा था? राजधानी का स्थानांतरण करना, टोकन मुद्रा जारी करना, जो आपका ग्रामीण कराधान है उसमें वृद्धि करना, या खुरासान के ऊपर हमला करना। तो आपको ये बताना है कि कौन सा सबसे बड़ा कारण था मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पे, जब हमें विद्रोह देखने को मिलता है दोआब पर। करेक्ट आंसर इज, इट इज सी, इंक्रीज इन रूरल टैक्सेशन। अब बताओ, अलाउद्दीन खिलजी है एंड मोहम्मद बिन तुगलक है, दोनों के टाइम पे लैंड रेवेन्यू एक ही था, यानी कि हाफ था हाफ था। अब मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पे रिवोल्ट बहुत तरीके से निकल के आता है, बहुत बुरे तरीके से निकल के आता है, तो क्वेश्चन ही बन गया इसके ऊपर। अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पे भी हाफ था, अब रिवोल्ट हुआ नहीं है, अब क्या रीजन है कि रिवोल्ट नहीं हुआ, बताओ जल्दी। अलाउद्दीन के टाइम पे रिवोल्ट नहीं हुआ। कंपेयर करना है आपको मोहम्मद बिन तुगलक, कंपेयर करना है अलाउद्दीन को, कंपेयर करना है। चलिए जल्दी बताइए कमेंट सेक्शन के अंदर। यस बिल्कुल, बहुत बढ़िया संचिता। प्राइस कंट्रोल मेजर अलाउद्दीन खिलजी के, यस हीना, मार्केट सिस्टम, ठीक है। यस मिथुन, मार्केट रिफॉर्म, गीतांजलि दिव्यास, बिल्कुल ठीक है। मार्केट रिफॉर्म के बारे में जब हम बात करेंगे, देखो मार्केट रिफॉर्म अलाउद्दीन खिलजी का काफी पॉपुलर था। आपको मालूम है कि अलाउद्दीन खिलजी मार्केट रिफॉर्म्स के लिए जा रहा है। प्राइसेस इतने कम हो चुके थे, मतलब खाने पीने की जो आपकी जो चीजें होती हैं, जो गेहूं हुआ या कुछ और हुआ, प्राइसेस उसके कम हो गए थे अलाउद्दीन खिलजी के मार्केट रिफॉर्म्स की वजह से। उस प्राइसेस के कम होने के बावजूद अगर वो किसी उसके उसने वेजेस भी कम दिए थे, देखो वेजेस भी कर रहा है, किसी को सैलरी पे कर रहा है वो भी कम दे रहा है, प्राइसेस भी कम हो चुके हैं, ठीक है। भले ही वो 1/2 भी ले ले, फिर भी रिवोल्ट नहीं हुआ, क्योंकि लोगों को फर्क ही नहीं पड़ा, इतना इम्पैक्ट ही नहीं पड़ा। लेकिन जब मोहम्मद बिन तुगलक आया तो वो तो मार्केट रिफॉर्म वाला सिस्टम तो उस टाइम था ही नहीं अलाउद्दीन खिलजी का। टैक्सेस वही लगाया जो अलाउद्दीन खिलजी का हुआ करता था, ठीक है। जैसे उसने किया तो हम देखते हैं दोआब के अंदर बहुत भयंकर तरीके से रिवोल्ट निकल के आया। एंड आपको मालूम है कि मोहम्मद बिन तुगलक ने उस रिवोल्ट को कैसे क्रश किया था, जो भी कोई लोग जंगल के अंदर जा रहे थे उनको हम पकड़ पकड़ के उसने, आपको मालूम ही आ गया, ठीक है। चलो 14th पे आ जाओ। व्हेन कमाल महियार कन्वर्ट टू सुल्तान इस्लाम वॉज सेलेक्टेड फॉर द पोस्ट ऑफ मुतसरिफ ऑफ अमरोहा एंड वॉज प्रेजेंटेड बिफोर हिम, द सुल्तान रिएक्टेड, व्हेन आई हैव टू लुक एट अ लो बॉर्न पर्सन एवरी आर्टरी इन वेन एंड इन एंड वेन इन माई बॉडी बिगिन्स टू एजिटेट विद फियरिंग। तो इस्लाम धर्म को स्वीकार करने वाले कमाल मैयार को जब अमरोहा के मुतसरिफ के पद के लिए चुना गया और जब उसे सुल्तान के समक्ष प्रस्तुत किया गया,
तब सुल्तान की प्रतिक्रिया थी, जब मैं निचले तबके में पैदा व्यक्ति को देखता हूं, मेरे शरीर में प्रत्येक धमनी और नस क्रोध से किचनी शुरू हो जाती है। करेक्ट आंसर इज बी। ठीक है, बी इज द करेक्ट आंसर। देखो, हर किसी सुल्तान के कैरेक्टर के बारे में मालूम होना चाहिए। बलबन के ऊपर इसी तरीके से बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है कि बलबन का कैरेक्टर ऐसा था कि अगर उसके सामने कोई निचले तबके का लोग आ जाए तो मतलब देख लो स्टेटमेंट के अंदर क्या बोला गया है, जब मैं निचले तबके में पैदा व्यक्ति को देखता हूँ तो मेरे शरीर में प्रत्येक धमनी और नस क्रोध में शुरू हो जाती है। तो आग उगला हो जाता था बलबन अगर कोई निचले तबके के व्यक्ति को देख लेता था। फिर ऐसे ही अगर मैं इल्तुतमिश की बात करूं, वो ऐसा नहीं है, दयालु है वो, ठीक है, काफी दयालु है। एंड ऐसे ही फिर मैं अलाउद्दीन की बात करूं, मोहम्मद बिन तुगलक की बात करूं, वो कैसे हैं फिर, क्या उन्होंने अपने प्रशासन के अंदर सभी लोगों को लाना शुरू करा, अलाउद्दीन ने, मोहम्मद बिन तुगलक ने, क्या फिरोज ने भी यही किया था? तो ये आपको जानना जरूरी है एग्जामिनेशन परस्पेक्टिव से। ठीक है, यस, 15th क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ज़ैनुल अब्दीन वाज अ ग्रेट पैटर लर्निंग एंड सराउंडेड हिमसेल्फ विद लर्न्ड मेन विद हुम ही वाज फॉन्ड ऑफ होल्डिंग डिस्कशंस, स्कॉलर्स लाइक सैयद मोहम्मद रूमी, काजी सैयद अली शिराजी, काजी जमाल एंड सैयद मोहम्मद सिस्तानी लेफ्ट देयर कंट्रीज एंड इमिग्रेटेड टू कश्मीर ड्यूरिंग हिज राइन। सुल्तान जैनुल अब्दीन के बहुत बड़े संरक्षक थे और वे ज्ञानी लोगों से घिरे रहते थे जिनके साथ चर्चा करना उन्हें काफी पसंद था। उनके शासनकाल के दौरान सैयद मोहम्मद रुकाजी, सैयद अली शिराजी, काजी जमाल तथा सैयद मोहम्मद सिस्तानी अपने अपने देशों को छोड़कर कश्मीर में उत्प्रवास कर गए। करेक्ट आंसर इज ए। देखो, वही ट्रिक यूज करो, कोई भी असर्शन रीजन आ जाए तो ये ड्रॉ कर लेना एग्जामिनेशन में, आपको ब्लैंक ब्लैंक शीट मिलेगी आपको अपने सामने। ठीक है, जैसे आप मैथ से क्वेश्चन सॉल्व करते हो तो ये ड्रॉ कर लेना। ठीक है, ये जैसे ही ड्रॉ करोगे तो फिर आपको पहला स्टेटमेंट पढ़ना है कि जैनुल अब्दीन की बात हो रही है और जैनुल अब्दीन के बारे में बोला जा रहा है कि कितने लोगों को संरक्षण देता था, बहुत सारे पढ़े लिखे लोग आते थे उसके टाइम पीरियड पे, उनके साथ वो बातचीत करता था। तो आपने पहला स्टेटमेंट यहाँ पे लिख लिया। फिर दूसरा स्टेटमेंट देखो, उसमें बताया स्कॉलर्स के बारे में कि स्कॉलर्स के बारे में जिक्र किया है, सैयद मोहम्मद रूमी के बारे में बताया है, काजी सैयद अली के बारे में बताया है। तो आपके इमीडिएटली दिमाग में चला जाना चाहिए कि अभी तो ऊपर ये क्या बात हो रही है, बहुत बड़ा संरक्षण था, बहुत सारे पढ़े लिखे लोग उसी कोर्ट के अंदर हुआ करते थे। तो एकदम से क्या करना है, जो आपकी जो लाइन खींची हुई है इसको ऐसे टिल्ट कर देना है, ये बिल्कुल ही, ये तो ए है और बी उसके साथ ही कनेक्टेड है। ठीक है, तो आर उसके साथ ही कनेक्टेड है, तो करेक्ट आंसर क्या हुआ, दोनों के दोनों सही है एंड आर इज द करेक्ट आंसर। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग सूफी सेंट अमीर खुसरो दहलवी, ही वॉज क्रेडिटेड फॉर द इन्वेंशन ऑफ सितार, ही डेवलप्ड अ न्यू स्टाइल ऑफ लाइट म्यूजिक नोन एज कवाली बाय ब्लेंडिंग हिंदू एंड इरानियन सिस्टम। तो सूफी संत अमीर खुसरो दहलवी के बारे में दो कथन आपके सामने दिए हुए हैं। उन्हें सितार के आविष्कार का श्रेय दिया गया था, उन्होंने हिंदू और ईरानी प्रणालियों के सम्मिश्रण में कवाली के रूप में पहचाने जाने वाले हल्के संगीत की एक नई शैली विकसित की। ओके, सो करेक्ट आंसर इज बोथ, यस, इन्वेंशन ऑफ सितार के लिए उन्हें क्रेडिट दिया जाता है, यस, कवाली जिसमें हिंदू एंड ईरानी सिस्टम को कंबाइन किया गया है वो भी अमीर खुसरो से एसोसिएटेड है। दोनों के दोनों स्टेटमेंट सही है। 17th पे चलते हैं। ओके, तो 25 क्वेश्चंस हैं, 16 क्वेश्चंस हम कर चुके हैं। प्लीज लाइक द सेशन अगर आपको पसंद आ रहा हो तो, एंड कमेंट करके भी जरूर बताइएगा। ठीक है, कमेंट भी जरूर कीजिएगा, लाइक भी कीजिए सेशन को एंड अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करते रहो। ठीक है, अगर सेशन को पसंद आ रहा है, अपने दोस्तों को भी यूजीसी नेट एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कराना चाहते हो तो प्लीज उन्हें बुला के लाइए, बोलिए कि सेशन देखिए यहाँ पे आके आप। ठीक है, हिस्ट्री के अंदर आपका इंटरेस्ट बहुत अच्छे से डेवलप होना शुरू हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द टर्म बंदागन इज ऑफन सीन इन द मिडिवल हिस्ट्री ऑफ इंडिया, बंदागन रेफर्स टू, बंदागन शब्द को अक्सर भारत में मध्यकालीन इतिहास के रूप में रखा गया है, बंदागन किससे संदर्भित करता है?
ओके, सो करेक्ट आंसर इज स्पेशल स्लेव्स परचेज्ड फॉर मिलिट्री सर्विसेज। यस, फिरोज शाह तुगलक एक ऐसे थे जिन्होंने स्लेव्स को बहुत बड़े पैमाने पर रिक्रूट करना शुरू किया था, एंड उनके लिए उन्होंने सेपरेट डिपार्टमेंट भी बना दिया था। ठीक है, इन स्लेव्स को उन्होंने हर चीज के अंदर ट्रेन करना शुरू किया था, उनको सब कुछ सिखाते थे, वो उनको पढ़ाते भी थे। ठीक है, लेकिन जब हम मुगल के टाइम पीरियड तक जाते हैं, जब हम अकबर के टाइम पीरियड तक हम जाते हैं, तब तक स्लेव्स को आर्मी के अंदर रिक्रूट करना बंद कर दिया गया था। तो अकबर के टाइम पे स्लेव्स को आर्मी के अंदर रिक्रूट नहीं किया जाता था। ठीक है, यहां पे हम देखते हैं चेलाज। चेलाज कौन होते थे? चेलाज वो लोग होते तो ये स्लेव्स ही थे, लेकिन इनको आर्मी के अंदर नहीं रिक्रूट किया जाता था। इनको आर्मी में लाया तो जाता था, लेकिन खाली सर्विसेज परफॉर्म किया जाता करवाई जाती थी इनसे। इनको आर्मी के अंदर इन द सेंस कि आप लड़ने जाओ एंड उनके साथ लड़ो, उस चीज के लिए नहीं रिक्रूट किया जाता था। इनको खाली सर्विसेज बस सर्विसेज प्रोवाइड करनी होती थी। तो अकबर के टाइम पीरियड पे हम ये देखते हैं कि स्लेव्स जो थे उनको आर्मी के अंदर रखा तो जा रहा था, बस खाली सर्विसेज के लिए रखा जा रहा था, लड़ने के लिए नहीं भेजा जाता था। उनको चेलाज बोलते थे। यस, 18th पे चलते हैं। आज क्लास में पता चलेगा। हाँ, आज क्लास में आप पढ़ गया है वो? आज आपने ऑलरेडी पढ़ लिया है आपकी आज की क्लास के अंदर क्या होने वाला है? ठीक है, आज की क्लास के अंदर यही पढ़ाने वाले हैं। चलो भी, चलो बोलो भी, वो स्टार्टेड बाय इल्तुतमिश इन इंडिया। करेक्ट आंसर इज डी, तीनों के तीनों स्टेट सही हैं, सिल्वर टका, चहलगानी, इकतदारी सिस्टम। ठीक है, तो डी इज द करेक्ट आंसर। 19th, विच ऑफ द फॉलोइंग टाउन वाज नॉट एस्टैब्लिश्ड बाय एफएसटी? तो फिरोज शाह तुगलक के द्वारा कौन सा शहर की स्थापना नहीं की गई थी, ये आपको बताना है। इट इज फरीदाबाद। फरीदाबाद इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, 19 का फरीदाबाद इज द करेक्ट आंसर, फतेहाबाद, हिसार एंड जौनपुर, एफएसटी। विच अमंग द फॉलोइंग स्टेप्स वर नॉट टेकन बाय मोहम्मद बिन तुगलक? तो निम्नलिखित में से कौन सा अभियान मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा नहीं प्रारंभ किया गया था? तो कराचिल, जजिया, मेरठ, सेपरेट टैक्स, टैक्सेशन में दुआ, प्रपोज खुरासान एक्सपेडिशन। द करेक्ट आंसर इज जजिया मेड अ सेपरेट टैक्स ड्यूरिंग द टाइम पीरियड ऑफ एफएसटी, नॉट एमबीटी। फिरोज शाह तुगलक के टाइम पे जजिया सेपरेट टैक्स हो गया था। 21st पे आ जाइए, दिल्ली सल्तनत का एडमिनिस्ट्रेशन है, तो इसमें करेक्ट ऑप्शन आपको बताना है। मुकदम, चीफ मजिस्ट्रेट और जज, पटवारी, कीपर ऑफ द लोकल रिकॉर्ड, वजीर, रिकॉर्ड कीपर ऑफ द इनकमिंग रेवेन्यू, बख्शी, पे मास्टर ऑफ द आर्मी। तो मुकदम मुख्य, मजिस्ट्रेट न्यायाधीश, पटवारी, स्थानीय अभिलेखा का रक्षक, वजीर आने वाला राजस्व का रिकॉर्ड देखने वाला, देन बख्शी सेना का वेतन करने वाला। करेक्ट आंसर इज बी। तो यहां पे खाली मुकदम, मुकदम कौन होते थे? तो विलेज हेडमैन होते थे, गांव के जो मुखिया होते थे वो मुकदम होते थे, चीफ मजिस्ट्रेट नहीं होते थे। चीफ मजिस्ट्रेट हो गए काजी। ठीक है, तो यहाँ पे ये आपका गलत हो जाता है, बाकी तीनों ठीक है। आपका पटवारी, लोकल रिकॉर्ड जो रखते थे, वजीर जो आपकी रेवेन्यू वगैरह देखते थे, एंड बख्शी जो पे मास्टर होते थे, ये देखते थे कि दाग एंड चेहरा ठीक से लगाया जा रहा है कि नहीं, उनको रेगुलरली पे किया जा रहा है कि नहीं। ठीक है, तो ये सब चीजें बख्शी के कंट्रोल के अंदर हुआ करती थी। 22nd के लिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग अलाउद्दीन खिलजी एडमिनिस्ट्रेशन? He made enormous gifts to the hostile nobles and emirs of Delhi.
to win them over to his side. The intelligence system was reorganized and all the secret activities of the nobles were immediately reported to Sultan. Social gatherings and festivities were completely forbidden. The public sale of liquor and drugs was totally stopped. अलाउद्दीन खिलजी के प्रशासन के संदर्भ में चार कथन दिए हुए हैं, उनमें से आपको बताना है कौन सा गलत है। उसमें दिल्ली के विरोध कुलीन और अमीरों को उनके पक्ष में जीतने के लिए बहुत सारे उपहार दिए, खुफिया तंत्र को पुनर्गठित किया गया और कुलीनों की गुप्त गतिविधियों को सूचना तुरंत सुल्तान की दी गई, सामाजिक समारोह उत्सवों को पूरी तरीके से मना कर दिया गया था, शराब और नशीली दवाओं की सार्वजनिक बिक्री पूरी तरीके से रोक दी गई थी। करेक्ट आंसर इज सी। तो देखो यहां पे ध्यान से, परमिशन लेनी है, देखो बस परमिशन लेनी है उनसे। अगर आप बर्थडे वगैरह सेलिब्रेट कर रहे हो तो आपको सुल्तान को बुलाना पड़ेगा, अलाउद्दीन खिलजी को। अगर अलाउद्दीन खिलजी को बर्थडे पार्टी के अंदर इनवाइट नहीं किया जाएगा तो वो बर्थडे मनाने ही नहीं, ठीक है, अपने लोगों को भेज देगा एंड बोल देगा कि इसकी बर्थडे पार्टी को बंद करो, ठीक है। तो ऐसे आपको समझना पड़ेगा अलाउद्दीन खिलजी के बारे में। देखो लिक्कर को उसने बैन कर दिया था, लिक्कर को बैन किया था, लेकिन अभी भी वो चल रही थी। इसका मतलब ये नहीं है कि अलाउद्दीन खिलजी ने बैन नहीं किया था। यहां पे पूछा जा रहा है कि अलाउद्दीन खिलजी का स्टेप क्या था। अलाउद्दीन खिलजी का स्टेप यही था कंप्लीटली बंद कर दो, लेकिन जब वो काजी उनसे बात करते रहते तब वो एक्सेप्ट करते कि भले ही मैंने बैन भी कर दिया लेकिन अभी भी उसकी बिक्री हो रही है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको समझना पड़ेगा। चलो 23rd की तरफ जाते हैं। When Sang came during the reign of Chandragupta Maurya, Ibn Battuta during MBT, Megasthenes came during the reign of Harshvardhan. भारत में विदेशी आगंतुकों के संदर्भ में आपको एक कथन देखना है, ये बताना है कौन सा सही है। हुसैन सांग चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल के दौरान आया था, इब्न बतूता मोहम्मद तुगलक के शासनकाल के दौरान आया था, मेगस्थनीस हर्षवर्धन के शासनकाल के दौरान आया था। करेक्ट आंसर इज बी। एंड आपको मालूम ही है कि पहला और तीसरा रिवर्स कर दिया गया है एंड दूसरा बिल्कुल ठीक है। पहला हुसैन सांग वर्धन के टाइम पे एंड मेगस्थनीस चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पे। 24th, द टर्म सामंताज इज ऑफन सीन इन द मिडिवल हिस्ट्री ऑफ इंडिया विद रेफरेंस टू। सामंत शब्द को अक्सर भारत में मध्ययुगीन इतिहास के संदर्भ में देखा जाता है, तो इसका मतलब क्या है ये आपको बताना है। Yes, it is big landlords. So early medieval India का special feature क्या है? Feudalism. Feudalism को ही सामंत बोलते थे. Okay? Land grants देना, तो land grants किसको दे रहे हो? Feudal landlord को दे रहे हो. उसकी obligation क्या है? उसको आपको tax देना है, ठीक है? Regular आपको pay करना है. And जब वो आपको regularly pay करेगा, उसको आपको आपके लिए आर्मी भी मेंटेन करनी है, ठीक है। अगर किंग को जरूरत पड़ती है कि उसको वॉर के लिए लड़ने के लिए जाना है तो वो आपकी आर्मी के ऊपर डिपेंडेंट रहेगा। तो इस तरीके से आपको अर्ली मिडिवल इंडिया के अंदर सामंत वर्ड का यूज देखने को है। तो दीवान अर्ज, दीवान रिसल्ट, दीवान इंशा, बरीद, इसको मैच करना है स्टेट कोरेस्पॉन्डेंट से, रिलीजियस मैटर्स से, मिलिट्री डिपार्टमेंट से, इंटेलिजेंस एजेंट से। दीवान ए अर्ज, दीवान रिसल्लत, दीवान इंशा, बरीद, इसको मैच करना है राज्य का पत्र, धार्मिक मामले, सैन्य विभाग, खुफिया एजेंट। करेक्ट आंसर इज सी। तो देख लीजिए क्या क्या है। दीवान एरीज हो गया मिलिट्री डिपार्टमेंट, ठीक है। दीवान रिसल्लत हो गया आपका रिलीजियस डिपार्टमेंट, ठीक है। देन आपका दीवान इंच हो गया कॉरेस्पॉन्डेंस वाला, देन बरीद हो गया आपका इंटेलिजेंस एजेंट्स, ठीक है। सो दैट्स इट गाइस। होमवर्क क्वेश्चन देख लो, आपको एक्सप्लेन करना है कमेंट सेक्शन के अंदर, आंसर बताना है कमेंट सेक्शन के अंदर। अच्छा के ऊपर क्वेश्चन है, ध्यान से क्वेश्चन को देखिए।
यस, तो शेयर्स पर क्वेश्चन है, इंग्लिश हिंदी दोनों में है। ध्यान से क्वेश्चन को देखो, कमेंट सेक्शन के अंदर लिख के आपको बताना है कि आंसर क्या करेक्ट है, ठीक है। एंड अभी आप बताइए कि 25 में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए, जल्दी जल्दी बताइए, जल्दी जल्दी बताइए किसने कितने क्वेश्चन ठीक किए हैं इसमें से। ओके, हीना 22, राजनंद ने 23, सचिन 25, शाइस्ता खान 25/25, 25/25, संचिता, जे आर एफ रिया 23, पल्लवी 22, विजय 20, स्नेहा 21, रुहेल 24, गीता 19, कुमारी अमरिका 16, ठीक है, जे आर एफ रिया 23, मौसमी 24, साक्षी 15, देन नाजिया परवीन 23, अनुपूर्णा 25, दिव्या 23, अब्दुल 16, शीतल 23। चलिए, थैंक यू वेरी मच गाइस, कल मिलते हैं। कल मुगल इंडिया के ऊपर क्वेश्चन करते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस प्लस एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस। थैंक यू वेरी मच।